खुशियों के बीच प्रदूषण उच्चतम स्तर पर, आसमान में स्मॉग छाई हुई है। प्रदूषण का असर भिवाड़ी से अलवर और राजधानी जयपुर तक नजर आ रहा है। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण से हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर के लोगों के लिए ये हेल्थ एडवाइजरी जारी हुई है। बाहर ना निकलने, मास्क इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ये एडवाइजरी जारी की है और ज्यादा बढ़ सकता है प्रदूषण का स्तर। प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण के हाल क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। आज प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषण भिवाड़ी में रहा। भिवाड़ी में 405 तो वहीं अजमेर में 193, अलवर में 221, जोधपुर में 298, कोटा में 284, पाली में 214 और उदयपुर में 230। तो वहीं जयपुर की बात कर लें, सी स्कीम एरिया जो जयपुर का है वहां पर 308, तो वहीं सेठी कॉलोनी में 304 और शास्त्री नगर में 306 प्रदूषण का स्तर जो है वो रेट मापा गया है। AQI जो है वो मापी गई है। तो जयपुर के तीन इलाकों की बात कर रहे हैं, साथ ही भिवाड़ी और जोधपुर वहाँ पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। और अश्वनी हमारे साथ अलवर से जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्योंकि अब यहाँ पर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है, कहा गया है कि बाहर ना निकलें, मास्क लगा के निकलें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक दो दिन में स्तर जो है प्रदूषण का वो नॉर्मल आ जाएगा। निश्चित तौर पर हर दिवाली पर ऐसा होता है और भिवाड़ी तो बिना दिवाली के भी ज्यादा प्रदूषित ही रहता है और राजस्थान का सबसे ज्यादा प्रदूषित रहने वाला शहर भिवाड़ी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी रहा है, कई बार AQI इतना खराब यहाँ पर रहा है। अब भी बहुत ही पुअर अलवर और भिवाड़ी श्रेणी में है, 500 के करीब पहुंच चुका था, अब आज वर्तमान में जो है तो 396 AQI दिखा रहा है। तो भिवाड़ी ज्यादा प्रदूषित है, जबकि अलवर, भैरों और दूसरे इलाके हैं वो भिवाड़ी से कुछ ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की और CPCB और RPCB ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि NCR में ज्यादा प्रदूषण है। नोएडा में तो 900 से ज्यादा AQI हो गया था, नई दिल्ली के कुछ इलाकों में भी 700 से ज्यादा AQI हो गया था और उसका असर भी इन इलाकों में दिखता है, औद्योगों का असर इन इलाकों में दिखता है। और उसके बावजूद लगातार अचानक सर्दी का आना और दिवाली पर पटाखों का चलना, इन सब कारणों से अचानक AQI खराब होता है और फिर खराब हो जाए। प्रदूषण के जो हालात होते हैं वो खराब होते हैं और आम इंसान के, यहाँ रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। तो निश्चित तौर पर आम लोगों को एडवाइजरी का पालन करना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद भी है कि जिस तरह कल में और आज में कुछ सुधार हुआ है तो अगले और दो दिन में कुछ सुधार हो जाएगा और अलवर, भैरोड ही नहीं भिवाड़ी का जो इलाका है वहां भी AQI में सुधार होगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए अश्वनी, ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग सांस की बीमारी है, अस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत है। जिस तरह प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, भिवाड़ी की बात कर लें, तो ऐसे में क्या ये जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या जिन्हें सांस की बीमारी है, जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्या उन पर खासा असर देखने को मिल सकता है? और चलिए हमारे साथ आनंद जी जुड़ गए हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं। आनंद जी, प्रदूषण कहा जा रहा है कुछ मुख्य शहर भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बताया जा रहा है आज। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली दिवाली के कुछ दिनों पहले से ही यहाँ पर इस प्रकार के हवा के बहाव की कमी होने की वजह से थोड़ी सी एयर क्वालिटी इंडेक्स घटने लगा था। तो उस वक्त ये पुअर से मॉडरेट और पुअर के बीच में था, बट इस वक्त ये सीवियर हो गया है, पुअर से भी नीचे के दर्जे में चला गया। सर, तो कारण क्या माने कि क्या पटाखे जो चलाए जा रहे हैं दीपावली पे, उनकी वजह से ये प्रदूषण ज्यादा बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल यही एक कारण है और कोई कारण तो इन दिनों में दिखता नहीं। लोगों ने कोविड के लॉकडाउन के बाद पहली बार हर्षोल्लास के साथ और कुछ गलत किया है तो पटाखे ही जलाए हैं लोगों ने, और इतने पटाखे जलाए हैं कि वो जो भिवाड़ी और उन सब जगहों का हालत है वही लगभग उसी प्रकार का ट्रेंड जयपुर और जोधपुर ऐसे बड़े शहरों में भी दिख रहा है हमारे राज्य। सर, अब क्योंकि अब प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, AQI बढ़ गया है, कितने दिन में अब ये नॉर्मल आएगा? इसे AQI को इम्प्रूव करने की दो ही स्थिति बनती है, एक तो जो ब्रीज, हवा का जो बहाव है उसकी
जो गति है वो बढ़ जाए, संभावना है, जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि दो तीन दिनों के अंदर में उसमें तेज बहाव के बाद ये हवा निकल जाएगा, तो उससे निकल जाए या फिर कोई हल्की सी बहार फुहार आ जाए, बरसात हो जाए, बरसात की जिन दिनों में संभावना कमी दिखती है, तो हवा के रुख से, हवा के बहाव बढ़ने से संभावना है कि एक्यूआई का स्तर बढ़ जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी जानकारी के लिए, क्योंकि ये स्तर जो है, हवा का बहाव जो है बढ़ेगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो शायद हो सकता है कि ये प्रदूषण का स्तर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए। हमारे साथ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। निर्मल, जैसा कि अभी बात हुई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, उनका कहना था कि दिवाली के आसपास ये प्रदूषण बढ़ा है और कारण ये रहा है कि पटाखे लोगों ने बहुत ज्यादा फोड़े हैं और उसकी वजह से ये प्रदूषण हुआ है। सीधे तौर पर बात करें, अगर पिछले 5 वर्ष का हम अगर डाटा लें तो ये जो आज प्रदूषण का स्तर दिख रहा है वो पिछले 5 वर्षों के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं, 2017 में अगर AQI बात करें, दीपावली के आसपास का जो था जयपुर का वो 500 से ज्यादा था, भिवाड़ी का AQI 550 के आसपास था, 2018 में भी ये स्थिति थी। चलिए निर्मल, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। हमारे साथ अजीत सिंह जी जुड़ गए हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। अजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से प्रदूषण स्तर बढ़ा है, क्या लगता है अस्थमैटिक पेशेंट जो है या श्वास रोग संबंधी बीमारियां जिन पेशेंट्स को है, उनके लिए कितनी दिक्कतें होंगी और कैसे उनको बचाव करना है? डेफिनेटली हर साल जब भी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और आम जनता जिस ढंग से त्यौहार को सेलिब्रेट करती है वो पटाखों के लिए है, और उस तरह से वातावरण में कार्बन पार्टिकल्स हैं, जो नॉक्सियस गैसेज हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, जो जितनी भी हानिकारक गैसें हैं वो जनरली पोल्यूशन के माध्यम से एनवायरनमेंट के अंदर पटाखों के जलाने से, रिम से आती है। जो पिछले 2 साल से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने भी अपनाया और जिस ढंग से कोविड की बीमारी ने पूरी प्रदेश को, पूरी विश्व को परेशान किया और उसको देखते हुए काफी हद तक जो है रेस्ट्रिक्शंस भी रहे हो, तो पिछले 4-5 साल का अगर आंकड़ा देखें तो इस साल डेफिनेटली इतना प्रदूषण देखने को तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी जिस साल कंपैरेटिवली पिछले 2 साल के मुकाबले लोगों में ज्यादा उत्साह था त्योहार के प्रति और लोगों ने ज्यादा काफी हद तक रेस्ट्रिक्शन के बावजूद, गवर्नमेंट की एडवाइजरी के बावजूद भी पटाखे चलाए। इनको देखते हुए जहां तक एक एज ए विशेषज्ञ हम बात करते हैं, तो जब इन गैसों का, जब इन कार्बन पार्टिकल्स का वातावरण में इसका लेवल बढ़ता है तो डेफिनेटली जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं, जो स्किन की एलर्जी है, साथ ही जो अस्थमा के, जो दमा के रोगी हैं, उनके जो परसेंटेज है डेफिनेटली उसके अंदर बढ़ता है। जो पिछले 2 साल का पैटर्न हम जनरली OPD में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोविड के आने के बाद में एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही पार्ट अगर हम कहें उसको, मास्किंग जो है सबसे बड़ा एक कार्बन पार्टिकल्स और गैसेस को सांस की नली में जाने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर का काम कर रहा है, उसको देखते हैं तो पिछले 2 साल से सांस की बीमारियों में भी काफी हद तक कंट्रोल महसूस किया जा रहा है, साथ ही इतना परसेंटेज ऑब्जर्वेशन का नहीं मिल रहा, लेकिन एहतियातन सावधानी के तौर पर डेफिनेटली अभी इन दिनों में जैसे जैसे मौसम का बदलाव आया है, सांस से संबंधित बीमारियां, नजले की एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ये काफी हद तक केसेस में वृद्धि, तो इसके देखते हुए डेफिनेटली पोल्यूशन के साथ साथ मौसम की भी मार है और सावधानी जो जनरली लोगों को रखनी चाहिए वो आम स्तर पर देखने को थोड़ी कम मिल रही है। बिल्कुल, तो सावधानी थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए और जिन्हें श्वास से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए खास तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका जानकारी के लिए। और हमारे साथ जी अश्वनी हमारे साथ अलवर से जुड़े हुए हैं। अश्वनी, क्योंकि डॉक्टर साहब से भी अभी बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि लोगों को इस वक्त ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ का, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें श्वास से जुड़ी हुई, सांस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, क्योंकि अब अलवर में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा है ऐसे में हॉस्पिटल में मरीजों का आने का सिलसिला भी जारी होगा। क्या सांस से जुड़े हुए जो मरीज हैं जिन्हें चाहे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, क्या उन लोगों का आने का सिलसिला बढ़ा है, क्या वो मरीज ज्यादा बढ़े हैं?
देखिए निश्चित तौर पर अस्पतालों में भीड़ दिख रही है, लेकिन सब तरह के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। सांस के मरीज अभी तक बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन अगर इसका असर आएगा तो आज या कल तक असर आएगा, और कल तक हो सकता है कि आज शाम तक अस्पतालों में ज्यादा भीड़ देखने को मिले। ये सही है कि AQI स्तर बढ़ने से, प्रदूषण बढ़ने से लोगों को तकलीफ बढ़ी है, और खास तौर पर सांस की बीमारी वाले जो लोग, जिनको पहले से प्रॉब्लम है, समस्या है, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत है, बाकी लोगों की इतनी समस्या नहीं है। वेरी पुअर कैटेगरी में भिवाड़ी और अलवर है। अगले दो दिन में भरने की उम्मीद है, और इस तरह भी बता रहे थे कि जब तेज हवा होगी, तो आज तेज हवा भी है, तेज हवा के साथ मौसम साफ हो जाएगा, हल्के बादल है, इसकी वजह से भी प्रदूषण का असर ज्यादा नजर आता है। अगर मौसम साफ होता है और हवा होती है तो मौसम साफ हो जाएगा। अगले दो दिन तक ये समस्या रह सकती है, लेकिन दो दिन बाद इस समस्या का निशान खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन भिवाड़ी की अगर हम बात करते हैं, तो भिवाड़ी अपने आप में प्रदूषण का एक बड़ा केंद्र है, और बहुत ज्यादा जो उद्योग है उनसे प्रदूषण वाले तत्व, हानिकारक हवाएं और धुआं जो निकलता है, उससे प्रदूषण यहाँ पर रहता है। और जब दिवाली नहीं होती है, तब भी भिवाड़ी में AQI स्तर का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति हुई है कि देश में सबसे प्रदूषित। चलिए, तो ये स्तर जो है प्रदूषण का धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ऐसा ही हमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी, पूरी जानकारी के लिए।